सर, पुल के निर्माण के लिए काफ़ी मशक्कत करना पड़ा आपको, कई जगहों पर लोगों से सहायता भी आपको लेनी पड़ी, कैसा रहा ये संघर्ष का दौर? इसमें मुख्य योगदान तो प्रमुख जी का है। अगर प्रमुख जी नहीं होते तो संभव नहीं था कि ये पुल कभी बन पाता। इससे पहले काफ़ी बार सांसद जी आए, इस गांव में विधायक जी भी आए, किसी का आजकल इस रोड पर कभी नजर नहीं पड़ा। लेकिन प्रमुख जी इस गांव में आए थे तभी उन्होंने आश्वासन दिया था कि यहां हम विकास करेंगे। और हमारे बगल में राजेश तिवारी भैया हैं, वो भी काफ़ी सहयोग किए, और ग्राम सभा के जो हमारे ग्रामीण हैं और हरिजन व्यक्ति ये काफ़ी सहयोग किए। अगर ये सब अगर ग्राम सभा और प्रमुख जी नहीं होते तो संभव नहीं था कि ये पुल कभी बन पाता। हम हरिजन बस्ती और ब्राह्मण जो थे वहाँ चंदा लगवाए तो कुछ लोग दिए, कुछ लोग नहीं दिए। लेकिन अब जब प्रमुख जी से बताई कि समस्या आ रही है चंदा लेने में, तो उन्होंने कहा जाने दीजिए, जो भी पैसा दिए जो भी उनको लौटा दीजिए, हम पूरा पैसा वहन करेंगे। प्रमुख जी नमस्कार। प्रमुख जी हमें बहुत सहयोग गए हैं, सुनाई को सब जो है बन गया है पुल भैया, नहीं पुल बन नहीं पाए, विधायक आए बन नहीं पाए जो है पुल, नहीं जरिए बन गया है पुल। ये जो कार्य था पुल का, ये विधायक लेवल का पुल था और सांसद लेवल में, लेकिन देखा जाए तो प्रमुख जी जो एक हम लोगों को जो तोहफा दिया है ये बहुत ही सराहनीय है, और हम लोग पूरे ग्राम सभा उनका दिल से शुक्रिया आभार प्रकट करते हैं।